अभी दोस्तों इनको चावल डालें और थोड़ी देर के बाद इनको आटा उबाल करके डालना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूं और खैरियत से हूं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। खाना भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया दोस्तों, और चावल भी डाल दिया दोस्तों। मीठे चावल थे तो मैंने सोचा कि यार मीठा खाएंगे, इनको मज़ा आएगा थोड़ा सा, और थोड़ी देर के बाद ना इनको आटा उबाल कर डालेंगे। तो हमारे सेटअप पर आज एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है जैसे आप समझें। तो अभी चलते हैं दोस्तों, वो गुड न्यूज़ भी आप सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर देखें जी, हमारे कबूतर एंजॉय कर रहे हैं धूप पर। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ हमारे सेटअप पर ये है कि आज हमारी फिंचेस ने पहला अंडा दे दिया दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं और आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। तो दिल को खुशी हो रही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुशी ज़रूर होगी। तो चलते हैं दोस्तों। माशाल्लाह देखिए दोस्तों, कितना प्यारा और छोटा सा अंडा है इसका। तो माशाल्लाह दिल को खुशी हो रही है दोस्तों कि हमारे सेटअप पर, हमारे मास्टर केज पर हमारी फिंचेस ने पहला अंडा दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल को बहुत ही खुशी मिल रही है। और दुआ कीजिएगा कि इसी तरह से हमारे सेटअप पर मज़ीद तरक्कियाँ होती जाएँ। अपना नेस्ट बनाने में मसरूफ़ हैं हमारी फिंचेस, तो ये तिनके लेकर आ रही हैं अभी तक भी, लेकिन डर भी नहीं रही। तो इनके लिए दोस्तों आज ना एक काम करते हैं, सॉफ्ट फूड डालते हैं इनको। चावल वगैरह तो मैंने डाल दिए हैं और आटा डालते हैं इनको दोस्तों उबाल करके, छोटे छोटे से दाने बना के डालते हैं। और ये एग रख देते हैं दोस्तों अंदर, बिल्कुल छोटा सा है, देखिए कितना प्यारा है। तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते दोस्तों, ये परेशान हो रही है। देखें दोस्तों, अभी अभी मैंने अंडा रखा है वहाँ पर और फिंचेस की फीमेल जो है ना वो अंदर चली भी गई है। एक गुड न्यूज़ और भी है, हमारी ये डव जो है ना अपना नेस्ट जो है ना बना रहे हैं अभी, और बहुत सारी हरकतें कर रही हैं आज दोस्तों ये भी। यहाँ पर देखें दोस्तों, नेस्ट कुछ हमने बनाया था, कुछ ये बना रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। आज यहाँ पर बैठी हुई थी, बार बार आकर बैठ जाती है फीमेल। देखें ये चावल के दाने खा रही है माशाल्लाह, और इनकी मोहब्बत देखें दोस्तों, एक साथ बैठे हुए हैं। आज दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है, इस खुशी में दोस्तों आज अपने परिंदों को अंडा उबाल करके खिलाते हैं। तो आप सब दोस्तों ने यार मुझे कमेंट में कभी नहीं बताया कि इनको अंडे डालने होते हैं। यार मैंने ज़िंदगी में पहली बार रखे हैं ऐसे परिंदे, और दिल को भी खुशी है यार, सुकून मिलता है परिंदों को देख देख कर। और आप सब दोस्तों ने कमेंट तो करना था ना मुझे कि यार इनको सॉफ्ट फूड डालने होते हैं, अंडा डालना होता है। तो आज मुझे पता चला है दोस्तों, इनको अंडा भी डालना होता है ब्रीडिंग सीज़न से पहले। तो इन्होंने ब्रीड तो कर दी माशाल्लाह, और दिल को खुशी हो रही है दोस्तों। अभी चलते हैं दोस्तों, इनके लिए आटा उबाल करते हैं और इनको डालते हैं और देखते हैं कि खाती हैं या नहीं खाती। और ये दोस्तों बर्तन मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और ये रहा अंडा। तो इसको छोटे छोटे से दाने करके डालते हैं इसमें, सारे बार खाएंगे दोस्तों, अपनी एवरी में डाल देंगे। यहाँ पर फिंचेस के काम देखें दोस्तों, ये अंडे के ऊपर वाला जो छिलका होता है ना वो मैंने तोड़ कर यहाँ पर फेंक दिया। तो फिंचेस का मेल जो है ना ये खा रहा है यहाँ पर। तो ये देखें जी, इनके लिए डिश जो है ना ये रेडी हो चुकी है। तो इनको डालते हैं और सफाई करते हैं थोड़ी सी अपने मास्टर केज की। तो यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, इस जगह की मैंने सफाई कर ली है। इनको दोस्तों डाल दिया, ये खाएंगी आप माशाल्लाह, देख तो रही है।
तो डाल तो दिया है, अभी तक खा नहीं रहे दोस्तों, चिंचिस यहाँ पर लगी पड़ी है। तो यार ये छिलका जो है ना अंडे वाला, ये बड़े शौक से खा रहे हैं, तो ये भी वहीं पर डाल देते हैं, इसकी लालच पर वो भी खाएंगी। इनकी लड़ाई हो रही है दोस्तों, देखिए बचीज और फिंचेस की लड़ाई हो गई है। तो सुबह से मौसम बहुत ही प्यारा था, अभी फिर से हवा चलना स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं आपके सामने है। और दोस्तों कबूतरों का शौक करा देते हैं, उसके बाद आप सब से इजाज़त चाहेंगे। सबसे पहले जी इसका शौक करें, इसकी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह, कुछ ही दिनों में ये बड़ा हो गया। देखें दोस्तों 10-12 दिन हुए हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा। इसका भी शौक कराया था, बेबी इसका बिल्कुल छोटा सा था, ये भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है। बाकी के अंडे इसके दोस्तों पड़े हुए हैं, थोड़े थोड़े से क्रैक हो गए हैं। और ये जंगली कबूतर बैठा हुआ है, मार भी रहा है दोस्तों, देखें। ओए बस जी बस, देख लिया मैंने, बस बैठे रहो। पट्टा दोस्तों हमारे घर का है, तो इसका भी शौक कर ले। ये यहाँ पर ये बर्तन पड़ा है, तो ये भी लेकर जाना है। तो दोस्तों आज आवाज़ सुने दोस्तों, हमारी डायमंड डव की आवाज़ सुन ली आप सब दोस्तों ने। इनका पेयर दोस्तों बन गया है कन्फर्म, और इन्होंने नेस्ट बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इनके अंडे आ जाएंगे, क्योंकि कमेंट का मुझे इंतज़ार होता है दोस्तों, और दिल को खुशी होती है। तो कमेंट लाजमी केयर करें, और वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फ्रेश वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में हमें याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।